नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लॉकडाउन के बीच फिर एक बार बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भीड़ का नजारा देखने को मिला। श्रमिक ट्रेन के अफवाह को सुनकर सारे लोग बांद्रा स्टेशन पर उमड़ पड़े। देखिए ये तस्वीरें किस तरह से लोगों ने फिर एक बार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई है। हालांकि प्रशासन ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि जिसके पास पास होगा या फिर रजिस्ट्रेशन होगा वो ही अपने गांव के लिए जा सकते हैं, लेकिन अफवाह को लेकर हजारों लोग अपना सामान लेकर बांद्रा स्टेशन पहुंच गए। सोशल मीडिया पर अफवाह फैली थी कि एक अतिरिक्त ट्रेन बिहार के लिए जा रही है। इस अफवाह को सुनते ही लोगों ने विश्वास कर लिया और बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुँच गए। फिलहाल पुलिस ने भीड़ को काबू में तो किया है, लेकिन बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की सरकार को फेल बता दिया है। सुनिए बीजेपी के एमएलए राम कदम ने उद्धव ठाकरे की सरकार को फेल बताते हुए क्या कहा है। वह भीड़ जब वहां आ रही थी तो इसकी जानकारी क्या पुलिस को नहीं थी? पूरी तरह से इन मजदूरों को खाना खिलाने में या इन मजदूरों को अपने अपने गाँव में भेजने में ये सारी व्यवस्थाओं में महाराष्ट्र की सरकार दुर्भाग्य से फेल हो चुकी है। उद्धव सरकार को फेल बताने के बाद अब बांद्रा टर्मिनस का क्या नजारा है आपको बताते हैं। इस बड़ी भीड़ के जमा होने के बाद इस घटना से सबक लेते हुए पुलिस और रेलवे प्रशासन के इलाके में काफी सख्ती बरकी है। पूरे परिसर को नाकाबंदी करके सील कर दिया है। अब इलाके में सिर्फ उन्ही लोगों को जाने दिया जाएगा जिसके पास रेलवे पास होगा या फिर रजिस्ट्रेशन होगा। देखिए इस घटना के बाद अब क्या सख्ती की जा रही है। जैसे कि आपने देखा कि सारे मजदूरों को एक ही कतार में बैठाकर उनकी चेकिंग की जा रही है, एकदम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, लेकिन जो बेस्ट की बसें हैं, जिस बसों में मजदूरों को लाया जा रहा है उस बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का मामला कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। अब भी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का मामला सामने आ रहा है। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।